नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। व्रत त्योहार के समय हम सबसे ज्यादा सेवन ड्राई फ्रूट्स का करते हैं। कारण, हम इन्हें कहीं भी कभी भी ले जाकर खा सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें हम ज्यादा से ज्यादा समय तक भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा समय तक खराब नहीं होते। और इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी सेहत के लिए भी काफी लाभदायक होते हैं। तो अगर इस नवरात्रि आपको चिंता है कि आपका वजन कम हो गया है या आपकी बॉडी वेट इम्बैलेंस हो चुकी है, तो इन ड्राई फ्रूट्स के सेवन से आप अपने बॉडी के इम्बैलेंस को, बॉडी वेट के इम्बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे कुछ खास ड्राई फ्रूट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सूखे आड़ू की। जी हाँ, हम व्रत में सूखे आड़ू खाते हैं जिनमें लगभग 191 कैलोरीज होती हैं। साथ ही इनमें 6.5 ग्राम फाइबर होता है और साथ ही साथ इसमें 34% यानी कि 34% विटामिन होता है और साथ ही साथ 18% आयरन होता है। यानी कि अगर आप आधे कप के हिसाब से, अगर के माप के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सूखे आड़ू में इतनी कैलोरीज और इतने फाइबर और विटामिन्स मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। तो आप अगर व्रत रख रहे हैं तो अपने व्रत के समय आड़ू का सेवन करना ना भूलें। वही बात की जाए सूखे सेब की, तो इनमें 104 कैलोरीज होती हैं, यानी कि 104 कैलोरीज। साथ ही इनमें 3.5 ग्राम फाइबर होता है और इनका अंदाज़ा मैं इस तरह से आपको बता दूं कि आधे कप के माप के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनमें 104 कैलोरी और 3.5 ग्राम फाइबर होता है। साथ ही ये बाकी अलग ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से कम कैलोरीज वाला होता है। तो अगर आप सूखे सेब खाएंगे तो आपके वज़न बढ़ने की समस्या से आपको निजात मिलेगा, मतलब आपके वज़न नहीं बढ़ेगा और आप बिल्कुल आराम से इसका सेवन कर सकते हैं अपने व्रत के समय और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। वहीं अगर हम बात करें खुबानी की, जिनको हम हर व्रत और त्यौहार में ज़्यादातर सेवन करते ही हैं, जो भी व्रत का पालन करते हैं उन लोगों के लिए बात मैं बता रही हूँ कि उसमें लगभग 156 कैलोरीज होती हैं, यानी कि 156 कैलोरी। साथ ही इसमें 4.5 ग्राम फाइबर भी होता है और 47% यानी कि 47% इसमें विटामिन ए होता है। साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में कॉपर और विटामिन ए के भी गुण मिलते हैं। तो अगर आप खुबानी का सेवन करते हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। वहीं अब हम बात करेंगे सूखे लीची की, जो बेहद पसंद किया जाता है, अमूमन सभी लोग ये खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इसमें कैलोरी 221 होती है। साथ ही इसमें 44 ग्राम फाइबर मिलता है और 47% विटामिन सी होता है, यानी कि 47% विटामिन सी इसमें मिलता है और आपके लिए ये प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, जो आपकी सेहत के लिए, अगर आप प्रोटीन का सेवन करना चाहते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए, आपके खान पान में इसको ज़रूर ऐड करें और अपने व्रत के समय इसका सेवन करना ना भूलें। वहीं बात की जाए आलू बुखारा की, तो इसमें 223 कैलोरीज हैं। जी हाँ, और साथ में इसमें 2.3 ग्राम प्रोटीन भी है, साथ ही साथ इसमें 13% आयरन भी मिलता है। तो अगर आप अपना व्रत अच्छा मनाना चाहते हैं, पूरी अच्छे, मतलब अच्छी सेहत के साथ मनाना चाहते हैं, तो आलू बुखारा को भी ऐड करेंगे तो इससे आपकी सेहत में इजाफा होगा और आप एक बेहतरीन तरीके से अपने इस त्यौहार को मना पाएंगे। सूखे करौंदे की बात की जाए तो इसमें 185 कैलोरीज होती हैं, साथ ही इसमें 39 ग्राम फाइबर होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो अगर आप इस व्रत में सूखे करौंदे खाने भूल गए हैं या आपने सूखे करौंदे अब तक नहीं खाए हैं तो आप इस व्रत में सूखे करौंदे ज़रूर ट्राई करें या ज़रूर खाएँ, जिससे आपकी सेहत पर अच्छा असर हो। प्रोटीन युक्त किशमिश की बात की जाए तो उसमें 221 कैलोरीज होती हैं, साथ ही यह आपकी बॉडी को 2.5 ग्राम फाइबर भी देता है। तो आप इसका सेवन अवश्य करें, ज़रूर करें, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी होता है और आपकी सेहत के लिए बेहद लाभकारी भी।
मिनरल से युक्त सूखे अंजीर, इनका सेवन करने से आपके शरीर को 185 कैलोरीज मिलती है, साथ ही 7.5 ग्राम फाइबर मिलता है जो आपके शरीर के लिए बेहद लाभकारी है। साथ ही साथ ये आपके खून को भी साफ करता है। तो अगर इस व्रत के समय आपने अंजीर ना खाया हो तो इसका सेवन करना ना भूलें। हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए शुगर लेवल को मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में नेचुरल शुगर का जो रिसोर्स है वो है खजूर। तो खजूर अगर आप व्रत में खाते हैं तो ये आपको नेचुरल शुगर भी देगा, आपकी बॉडी को सप्लाई करेगा प्रचुर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन, जिससे आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी पाएंगे और व्रत में किसी भी तरह की वीकनेस से बचेंगे। आम तो फलों का राजा कहा जाता है, और अगर बात की जाए सूखे आम की तो हम सभी को कहें या ज़्यादातर लोगों को सूखे आम खाना बेहद पसंद होता है। तो व्रत में अगर आप सूखे आम का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इसमें मौजूद कई तरह के विटामिन भी आपको अच्छा स्वास्थ्य देने में मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखकर आप अब ड्राई फ्रूट्स के लिए जो भी चयन करना है आपको उस पर विचार करेंगे, क्योंकि अब आप पूरी तरह से जान चुके हैं कि कौन सा ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए बेहतर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।